नमस्कार। देश और दुनिया की अहम खबरों के कार्यक्रम देश विदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु सारस्वत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं उस खबर से जो कि अमेरिकी राजनीति में हलचल की वजह बनी हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में लगातार इस बात के आरोप लगते रहे हैं कि रूस ने इन चुनाव में सेंधमारी की। इस तरह के कयासों के बाद राष्ट्रपति ट्रंप पर भी संदेह के बादल अक्सर मंडराते रहते हैं। अमेरिकी मीडिया में भी इस तरह की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। अमेरिकी मीडिया लगातार ट्रंप की जीत पर सवाल उठा रहा है। अमेरिकी राजनीति इन खबरों से गरमाई हुई है। वहीं ट्रंप इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। पिछले कुछ समय से अमेरिकी मीडिया में अमेरिकी आम चुनाव में रूसी हैकर्स की सेंधमारी का मुद्दा छाया हुआ है। इस बात की आशंका जताई जा रही है कि ट्रंप की जीत में रूस का हाथ था। राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद से ही ट्रंप ऐसे आरोपों से जूझ रहे हैं। अमेरिकी जांचकर्ता ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं रूसी साइबर हैकरों ने अमेरिकी चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित तो नहीं किया ताकि ट्रंप चुनाव जीत सके। न्यूयॉर्क के अखबार द नेशन में ल्यूक हार्डिंग के इंटरव्यू में भी कहा गया था कि इस बात की पर्याप्त जानकारी है कि रूस द्वारा ट्रंप के अभियान को प्रभावित करने की कोशिश की गई थी। हार्डिंग 4 साल तक प्रसिद्ध अखबार द गार्डियन के मॉस्को संवाददाता थे। उन्हें रूस की सरकार ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आलोचना करने वाली रिपोर्टिंग के आरोप में रूस से निकाल दिया था। हार्डिंग का मानना है कि अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियां भी हर चीज का सबूत सामने नहीं कर सकती हैं। रूस द्वारा पिछले साल के अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव को प्रभावित किया गया था। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट में दावा किया है कि ट्रंप की मदद करने वाले चुनाव अभियान शुरू होने से पहले ही रूसी खुफिया एजेंसी के संपर्क में थे। द वॉशिंगटन पोस्ट में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार रूस ने ट्रंप की जीत में मदद करने के लिए राष्ट्रपति चुनाव में हस्तक्षेप किया था। रूस से रिश्तों के चलते ट्रंप के चुनाव अभियान में अहम भूमिका निभाने वाले माइकल फ्लिन को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पद से इस्तीफा देना पड़ा है। फ्लिन ने स्वीकार किया था कि उन्होंने रूसी अधिकारियों के साथ हुई बातचीत की अमेरिकी उपराष्ट्रपति और अन्य अधिकारियों को अधूरी जानकारी दी थी। अपने बचाव में ट्रंप अमेरिकी मीडिया के एक बड़े हिस्से को झूठा बताते रहे हैं। उनका दावा है कि मीडिया ने उन्हें चुनाव हराने की बहुत कोशिश की। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज़।